हेलो एवरीवन, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देख सकते हो हमारे पीछे ये रहा महिंद्रा जुगो 245 टीआर ट्रैक्टर। तो इससे जो है ना, आज हम हल जोत के दिखाएंगे आप लोग को एक गियर में, और लोग ये एक गियर में लगा करके और दो गियर में लगा करके, जो कि इस प्रकार से चलता है, फोर व्हील एंड टू व्हील दोनों में लगा करके दिखाएंगे जो किस प्रकार से जोता जाता है। तो एक भाई का कॉमेंट था कि वो बोल रहा था मुझे, जो ये ट्रैक्टर को दो गियर में जोतते हो तो क्या प्रॉब्लम नहीं आता है क्या कभी भी? तो देखो, इस ट्रैक्टर में कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आता है। दो फोर व्हील लगा करके जोतते हैं दो गियर में तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं। यदि हम सिंगल ड्राइव में टू व्हील ड्राइव में जोत रहे हैं तो फिर दिक्कत आ सकता है। तो ऐसे में जो है तो हम फोर व्हील लगा करके जोतते हैं। तो चलिए, इसको जो है हम टू व्हील में और फोर व्हील में दोनों में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप लोग को, दिखाएंगे जो किस प्रकार से जोता जाता है। तो दोनों हम जोत के दिखाएंगे, टू व्हील और फोर व्हील दोनों करके। तो चलिए, सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप इसको हल को जो है ये कल्टीवेटर को सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा फार जो है ऊपर की तरफ है, ये ज़्यादा धंसेगा। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, तो इसको इतना तक थोड़ा पी उठाएंगे, बहुत दिनों से रखा हुआ था इसलिए जो है ये पूरा जाम हो चुका है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से आपको इसको ढीला कर देना है। ये गुन्ना जो है यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को, ये क्या बताओ यार, इतना धूप है कि ये धूप के वजह से ये वीडियो जो है कल अपलोड होता, पर ये धूप के वजह से कल भी अपलोड नहीं हो पाया। तो ये देख सकते हो कुछ यहाँ इतना चूड़ी बाहर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फार को जो है इस साइड से थोड़ा उठना चाहिए, इस साइड से थोड़ा उठना चाहिए आगे से, पीछे वाला फार ज़्यादा लिवना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो सही से काम करेगा। तो ये तो हो चुके हैं, तो अब ट्रैक्टर को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट में हम एक गियर में लगा करके जोतेंगे, क्योंकि ये देखो पूरा हार्ड मिट्टी है ये, इसमें घास जो है बहुत ज़्यादा था, तो घास वाले में एक गियर में लगा करके जोतना चाहिए सबसे पहले। जिस खेत में घास नहीं है उस खेत में जो है, जिस खेत में घास नहीं है उस खेत में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं, उसमें कितना भी दो गियर में भी जोत सकते हो। इसमें घास था ज़्यादा, तो इसीलिए हम एक गियर में जोतेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो गाड़ी को स्टार्ट कर चुके हैं और लेकर के आते हैं आप लोग के सामने। तो अभी हम दूसरे साइड में हैं इसीलिए साइड में लगा हुआ है। तो ये देखिए आगे आपके सामने आ रहा है, ये सामने में लेकर के आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। तो अभी जो है हम एक गियर में जोतेंगे टू व्हील ड्राइव में, फर्स्ट में जो है ना एक गियर में जोतेंगे टू व्हील ड्राइव करके। तो आगे का फोर व्हील जो है हम छुड़ा दिए हैं, अभी फार को हम सेट कर देते हैं इतना पे। तो फार सेट करने के बाद जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे आप लोग को जो क्या करना है। तो अभी हम जोतेंगे एक गियर में। तो ये देखिए हम वहाँ पे एक गियर लगा दिए हैं, टू व्हील छुड़ा दिए, फोर व्हील छुड़ा दिए हैं, टू व्हील में लगा दिए हैं। तो 15 RPM जो है सेट करेंगे 15 पे, तो 15 पे सेट करके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, चलाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोग को। देखिए अब धीरे से राउंड मारना स्टार्ट हो गया है, एक गियर में अभी चला रहे हैं, एक गियर में जो है ना इतना राउंड मारने लगा है, देखो कितना हार्ड राउंड मार रहा है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि तो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मत लीजिए, लीजिए तो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए। फोर व्हील लगा करके जो है ना जोतने में बहुत मज़ा आता है और फास्ट भी चलता है, क्योंकि आगे का व्हील जो है राउंड नहीं मारेगा, पीछे भी व्हील जो है राउंड नहीं मारेगा, और दोनों लगा देंगे तो थोड़ा भी राउंड नहीं मारेगा। तो ऐसे में जो है खेत जो है जल्दी जल्दी से उतरता है, बहुत जल्दी जल्दी जोत पाते हैं खेत को। तो इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर मत लीजिए, आप लोग लेना चाहते हो तो फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लीजिए।
देखिए बहुत ज़्यादा राउंड मार रहा है, देखिए कैसा कैसा राउंड मार रहा है। तो इसीलिए जो है हम टू व्हील ड्राइव लिए थे एक बार, तो उसमें जो है ना बहुत सारा दिक्कत आ रहा था, तो अभी हम बाइक कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों क्या हुआ कि फोर व्हील में लगा करके जोत रहे थे, तब जो है मेरा इंटरनल व्यूअर जो है पूरा फुल हो चुका था, इसीलिए जो है वीडियो रुक गया था। मुझे क्या पता है, इसके बाद पूरे तो हम जोत दिए, इसके बाद पर आकर के देखे तो जो है ना इंटरनल व्यूअर जो है पूरा फुल हो चुका था। तो चलिए अभी फिर से ट्राई करते हैं, अभी हम फोर व्हील में लगा करके जोतेंगे, फोर व्हील में लगा करके जोतेंगे, जो पूरा फाड़ धास देते हैं, इसके बाद देखते हैं ये खींचता है कि नहीं खींचता है, तो देखते हैं अभी। इसके बाद टू व्हील में लगा करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। दो गियर में लगा करके फोर व्हील में जो है कन्वर्ट कर दिए हैं, तो वो भी फोर व्हील में चल रहा है। तो 15 RPM जो है इसका रहेगा, 15 ही है जितना पे हम चलाते थे, ये एक गियर में चलाते हैं 15 RPM पे, तो इस पर भी 15 RPM पे चलाएंगे, पर इसका स्पीड जो है कुछ ज़्यादा रहेगा। ये देखिए कितना ज़्यादा स्पीड है, तो कुछ इसी प्रकार से काम करता है। फोर व्हील लगा देते हैं तो कुछ ज़्यादा स्पीड में चलता है, और दो गियर में अभी चल रहा है, अभी फोर व्हील लगा करके दो गियर में चल रहा है ये ट्रैक्टर। तो अब जो है हम करेंगे ये टू व्हील ड्राइव में, तो फोर व्हील हम जो है निकाल दिए हैं, टू व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो ये देखो उतना ही फार को धांसने पे जो है पूरा चक्का जो है राउंड मारने लगता है, और उतना तो फोर व्हील लगा करके आसानी से खींचता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी दो गियर में चल रहा है, दो गियर में जो है टू व्हील ड्राइव में चल रहा है अभी, तो देखिए कितना हार्ड जो है राउंड मार रहा है। तो टू व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर जो है ना उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है भाई, क्या कितना बताओ आप लोग को, टू व्हील ड्राइव जो है सक्सेस नहीं है। हम क्योंकि जो है बहुत सारे आदमी को देखे, हम भी जो है इससे पहले टू व्हील ड्राइव लिए थे, तो मुझे जो है बहुत सारा दिक्कत आ रहा था उससे, इतना दिक्कत आ रहा था कि जो है टू व्हील ड्राइव नहीं चल पा रहा था। तो अब हम करते हैं एक गियर में, ये टू व्हील लगा करके एक गियर में हम जोत रहे हैं, देखो। तो ये देखिए जोत दिए थे एक बार, इसके बाद फिर से जो है ना एक गियर में लगाए हैं, तो देखो कितना हार्ड राउंड मार रहा है, एक ही जगह पर बैठ जा रहा है फार को जो है ना थोड़ा ही धांसने पे। तो अभी हम एक गियर में चला रहे हैं, देखो कितना हार्ड जो है, ये तो आप लोग देख लिए कि कितना राउंड मार रहा है, देखिए कितना ज़्यादा राउंड मार रहा है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। फिर जब हम वीडियो बना रहे थे तो बनाते बनाते जो है ना रुक जा रहा था यार, क्या बताऊँ, इंटरनल मेमोरी जो है पूरा फुल हो चुका था, पूरा फुल हो जा रहा था, इसीलिए नहीं बन पाया है। तो थोड़ा बहुत जो है ना आप लोग समझ जाना जो क्या बहुत क्या सब छूट गया है। तो बाकी तो एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा। फिर तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।